हे दोस्तों, आज की ये वीडियो इतनी माइंड ब्लोइंग होने वाली है जिसे देख के आप अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी सकते हो। इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो बहुत यूज़फुल है। इनका यूज़ आप डेली लाइफ में कर सकते हो। वीडियो शुरू होने से पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। आज के इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का। ये टारगेट इतना बड़ा तो नहीं है, इसलिए आप कर दोगे मुझे पता है। ओनली 50 लाइक्स। चलिए ज़्यादा बोर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको बहुत छींकें आ रही है तो आप अपने नोज को बीच में रफ करें, आपकी छींक गायब हो जाएगी, क्योंकि ये आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाता है। बाय द वे, सबसे लॉन्गेस्ट छींक का रिकॉर्ड 1981 में हुआ है। अपने दिमाग का लेफ्ट साइड आपके राइट साइड वाले आई के विजन को कंट्रोल करता है और राइट साइड वाला पार्ट लेफ्ट आई के विजन को। आप अगर बहुत सारे क्राउड के बीच में हो या फिर किसी डीजे के सामने, तब आप अपने कान में उंगली डालने की वजह आप इस पार्ट को दबाएं, इससे आपको बहुत कम आवाज़ आएगी। जब आप सुबह नींद से जागते हो तब आप हाथ ऊपर करके ऐसे कुछ करते हैं, तो ये चीज़ आपके हार्ट में और पूरे शरीर में ब्लड पंप करने में मदद करता है। और हाँ, अगर आप नींद से झटकर उठोगे तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। अगर आपका मूड खराब हो गया है तब आप सॉफ्ट, हैप्पी और हाई टोन वाले म्यूजिक सुने, जिससे आपका मूड हैप्पी हो जाएगा। एक रोजमेरी नाम का पौधा होता है, ये आपका दिमाग तेज और एक्टिव रखता है। आप अपने स्टडी टेबल पर इसे रखोगे तब आप अपने स्टडी पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। रोज सुबह 20 जंपिंग जैक करने से आपका पूरा दिन उत्साह से और मज़े से बीतेगा, क्योंकि ये आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। ऐसे आपकी बॉडी पूरे दिन हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे मन भी खुश रहेगा। अगर आपके थ्रोट में दर्द हो रहा हो या फिर खराश, तब आप अपने कान को ऐसे हिलाएं, मतलब ऐसे कुछ रफ करें, जिससे उस पार्ट की नर्व्स वाइब्रेट होगी और आपके थ्रोट को आराम मिलेगा। जैसे छिपकली अपनी पूंछ को काट कर फिर से उगा सकती है, वैसे ही हमारे शरीर में अपने पैरों के जॉइंट भी अगर काट ले तो वो फिर से उग सकते हैं। इसका प्रभाव सबसे नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा होता है और उसके ऊपर थोड़ा कम, और उसके ऊपर कमर में थोड़ा सा कम होता है। आपके हाथ में अगर एक ही लाइन है तब आप दुनिया के 1.5% लोगों में आते हैं, और अगर दो लाइन्स है तब आप में लीडर क्वालिटी है और कुछ बड़ा सोच रखने वाले व्यक्ति हो। आपके हाथ के टच से ज़्यादा आपके लिप्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आप किसी को किस करते हो तब अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो। आपकी नाक अगर बड़ी है तब आपको जुकाम कम से कम होगा, ये नाक के जर्म्स को अंदर जाने से रोकता है। एशियन ग्रीक रोमन्स की बड़ी नाक होती थी, और आपकी नाक छोटी है तब आप हार्डवर्किंग पर्सन हो, आपको कोई भी काम पूरा करने की आदत होती है। आप बहुत कम आवाज़ में छींकते हैं तब आप केयरिंग और सपोर्टिव पर्सन हो, और आप बहुत ज़ोर से छींकते हो तब आप नेचुरली लीडर और खुद को रिप्रेजेंट करने वाले पर्सन हो। और अगर आपने छींकते वक्त नाक पर रुमाल लगाया तब आप केयरफुल एंड डीप थिंकर, मतलब ज़्यादा गहरा सोचने वाले व्यक्ति हो। आपका चेहरा ज़्यादा चौड़ा है तब आप में निगोशिएटिव स्किल्स ज़्यादा होते हैं, आप पैसा कमाने में बेटर होते हो। और आपका चेहरा अगर लंबा है तब आप एक स्ट्रांग व्यक्ति हो, और कोई भी स्थिति में बेटर परफॉर्म करने की क्षमता रखते हो। दुनिया की 25% पॉपुलेशन सुपर टेस्टर है, मतलब उनको किसी भी चीज़ का स्वाद जल्दी आता है, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कोई भी। इनकी टंग में ज़्यादा छिद्र होते हैं जिसे टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, और इन लोगों को सब्जियां ज़रा कम पसंद आती है, और इन्हें ज़्यादा स्पाइसी फूड, नमकीन और बाहर का खाना ज़्यादा पसंद होता है। मैं इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक तो होना चाहिए। अगर आपकी मोटी और घनी आईब्रोज है तब आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, और आपको किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने की आदत है, और एक ग्रेट लिसनर भी।
आपकी आईब्रोज छोटी है तब आप कोई भी डिसीजन सोच के लेते हो, किसी की ओपिनियन लेना सही लगता है। आपकी आईब्रोज ज़्यादा कर्व होती है तब आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, पर इनको किसी के साथ कंफर्टेबल होने में ज़्यादा समय लगता है। अगर आपकी आईब्रो आपके आँख के ज़्यादा नज़दीक है तब आप किसी के ओपिनियन से जल्दी एग्री हो जाते हो, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हो, आपको दूसरों की मदद करने से अच्छा लगता है। आपके पैरों की दूसरी उंगली अगर अंगूठे से बड़ी है तब इसे मोटर स्टो कहते हैं, बट ये रेयरली ही दिखाई देती है। मोटर स्टो से इनको शूज़ का अगला हिस्सा ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है। इन्हें स्विमिंग और साइकिलिंग ज़्यादा पसंद होती है। अगर आपके पैरों की सारी उंगलियाँ सेम है तब इसे रोमन फुट कहते हैं। आप दुनिया घूमने के लिए बने हो और अपने दोस्तों के साथ नए कल्चर को एक्सपीरियंस करने की दिलचस्पी रखते हो। अगर आपका अंगूठा ज़्यादा लंबा है और बाकी उंगलियां उससे ज़रा कम तब आप एक डीप थिंकर हो और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देने में सक्षम हो। आपकी नाभि ज़्यादा ऊपर की तरफ है तब आप एक अच्छे रनर हो और स्विमर भी, और आपकी नाभि अगर ज़्यादा नीचे है तब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपको सिक्स पैक्स जल्दी आएंगे। आपके हाथों में अंगूठा और छोटी उंगली से टच करने पर ऐसे कुछ हड्डी दिखाई देती है तब आप एक नॉर्मल इंसान हो, बट अगर ये हड्डी दिखाई नहीं देती तब आप दुनिया के 15% लोगों में आते हो जो कि भविष्य के इंसान हैं, मतलब कि उनकी वो हड्डी इवोल्यूशन की प्रोसेस में गायब हो गई है, जैसे कि हमारी पूंछ इवोल्यूशन से गायब हुई। वैसे पूरे 117 मिलियन लोगों के हाथ में ये हड्डी नहीं दिखाई देती। ग्रे कलर दुनिया का सबसे रेयरेस्ट आई कलर होता है। सिर्फ 1% लोगों को ही ग्रे आई कलर होता है। आपके आई में ऑलमोस्ट मेलानिन बिल्कुल नहीं होता और ये लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, और आपको अगर ब्राउन आई है तब ये एक बड़ा ग्रुप है। हम एशियन दिनों की बात करें तब लगभग सारे लोगों की आई कलर ब्राउन ही था। ब्राउन आई हमें सन के हार्मफुल लाइट से प्रोटेक्ट करती है। ब्राउन आई वाले लोग की रिएक्शन टाइम अच्छी होती है, बॉक्सिंग, फुटबॉल और वीडियो गेम्स में अच्छे होते हैं। ब्लू आई वाले लोग अच्छे लर्नर होते हैं और इन्हें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, ये गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। आपको कुछ भी याद रखने की पावर बढ़ानी हो तब आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे ज़रा ज़ोर से, मतलब ऊँची आवाज़ में पढ़े, जिससे आपको ये जल्दी मेमोराइज होगा। पर आपको ऐसे ही नहीं पढ़ना, आपके मुंह को थोड़ा राइट साइड में लेके पढ़ना है जिससे आपके राइट वाले कान में ज़्यादा आवाज़ जाएगी। रिसर्च के मुताबिक आपका राइट ईयर लेफ्ट वाले से ज़्यादा सुन सकता है, और आपके दाएं कान में कोई रिक्वेस्ट करे तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस बात को मान जाते हो। आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तब आप उस स्ट्रेस को गायब करने के लिए अपने हाथ पर ऐसे कुछ इस तरह से 3 उंगलियां रखो और अंगूठे से 10-20 बार टच करें, मतलब प्रेस करें, जिसे कुछ देर बाद आप बहुत रिलैक्स फील करोगे और आपकी हार्ट रेट नॉर्मल होने लगेगी और आप अपनी एग्ज़ाम आसानी से दे दोगे। आप अगर पढ़ाई करते वक्त बोर हो जाते हो, स्ट्रेस आने लगता है, मूड खराब हो जाता है, तब आप पेंसिल को अपने दांतों के बीच पकड़े, जिससे आपका मूड हैप्पी हो जाएगा, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब हंसते हैं तब हमारी जो भी मसल्स एक्टिव होती है वैसे ही पेंसिल को टीथ में पकड़ने से वो मसल एक्टिव हो जाएगी, जिससे आप हैप्पी महसूस करने लगोगे। आपको ये फैक्ट्स कैसी लगी और आपको कैसे वीडियोस देखनी पसंद है, अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है। इस वीडियो को लाइक करके 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दूँ।